नहीं दिखा रहा था, कोई दिक्कत नहीं, लाइट आ रहा है खाली, बोला लाइट निकलने की तो कोई टेंशन ही नहीं है, ऊपर से कहीं भी दिखा नहीं, देखा नहीं क्या, तो आ जाएगा मैं, एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ा थोड़ा, हाँ, यस, थैंक यू, या, एक्सक्यूज मी, आप, एक्सक्यूज मी, आप अंदर अंदर देंगे, हाँ, मैम, हाँ, एक्सक्यूज मी, थैंक यू दादा पीछे आ जाओ, तो चाहिए ना, one picture please, thank you, चलो बाहर चलो, चलो गाइस, कैमरा
जगह है मिलना बहुत मुश्किल है, तो आर्ट के लिए जगह और भी मुश्किल होती है। डिस्प्ले करने के लिए जो स्पेसेस चाहिए, क्योंकि आई थिंक रियल एस्टेट वैल्यूज़ इतनी हाई हैं मुंबई में कि कहीं भी एक अच्छी जगह जहां पे अपने आर्ट को हम प्रदर्शित कर सकते हैं और लोग आकर उसे ख़रीदें, देखें, सराहें, आर्टिस्ट को एक अच्छी प्रेरणा मिले, अच्छे एक प्रोत्साहन मिले, इनकरेजमेंट मिले, ये बहुत मुश्किल काम है। तो आई लव व्हाट दे आर डूइंग, आई थिंक दे आर क्रिएटिंग अ ग्रेट सर्विस टू आर्टिस्ट एंड रियली एनकरेजिंग सो मेनी यंग आर्टिस्ट, बर्डिंग आर्टिस्ट, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि लोग आएँ, उनका आर्ट देखें। आज अगर मैं जब अंदर जा रहा था तो आई सॉ इतनी सारी क्राउड, इतने सारे लोग आए थे, यंगस्टर्स भी आए थे देखने के लिए, आर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए। वट आई ऑल्सो लाइक अबाउट वॉट दे आर डूइंग एट द मुंबई आर्ट फेयर राजेंद्र जी इज दे आर मेकिंग आर्ट नॉट ओनली फॉर पीपल लाइक मी हु आर कलेक्टर्स, दे आर क्यूरेटिंग आर्ट नॉट ओनली फॉर पीपल लाइक मी हु आर कलेक्टर्स विद एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट लाइक गौतम हियर, but also young artists and people, you know, young couples who are on a budget,
are coming and being able to buy, you know, their starter art to, you know, 15,000 rupees, 20,000 rupees for a nice beautiful painting and put it up and their wall looks so much more better. So I like the fact that they're making art more accessible and not making it more elitist. And that's a very, very cool thing. So congratulations on that. Thank you. And I specifically enjoyed Gautam's work a lot. Gautam Patole is here. He's a very, very fine artist in terms of charcoal. I love the way he creates expressions. Jo aankhon mein ek chhalak hai, ek jo charcoal painting waise bhi bahut mushkil kaam hai because ek reverse working karni padti hai, right? White is the definition and beech mein black bharna padta hai. Whatever little I know about art. I think it's a fine art, it's beautiful. I loved his work, I loved what he's done even in terms of blending it to make it look like paintings at times bring in colors. So it's been a fantastic experience. Vivek sir, aap jab panchayat painting dekh rahe the, kafi baat pe bhi dekh rahe the, aur kuch bhi interact bhi kar rahe the. Ji. To kaun si painting aapko sabse zyada favorite hai? Well, main isliye pooch raha tha aur interact kar raha tha ki as an artist, bhala hi meri haathon mein kala nahi hai, lekin kalakar to main bhi hu. और मुझे लगता है कि जब भी कलाकार के साथ एंगेज करते हैं, उनकी कला के बारे में कुछ बातें पूछते हैं, तारीफ़ करते हैं, इनकरेजमेंट देते हैं, तो कलाकार को उससे ज़्यादा किसी चीज़ की भूख नहीं होती, खुशी मिलती है बहुत. मुझे कुछ पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी, कुछ यंग पहली बार जैसे मैंने एक स्कल्प्टर को देखा, उनका काम देखा, सुनावने में तो उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा. इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग गौतम. ऑफकोर्स इज एस्टैब्लिश्ड. मैं खासकर एक्चुअली गौतम का काम देखने आया था जब मुझे नंदिनी ने बताया कि ही इज़ डिस्प्लेइंग सम ऑफ हिज न्यू सीरीज, सो आई केम स्पेसिफिकली टू सी हिज वर्क. सो आई लव्ड सम ऑफ द पेंटिंग्स एंड आई ऑलरेडी टोल्ड हिम इंटरनली व्हिच वंस आई एम गोइंग टू बाय. यंगस्टर्स को काफ़ी कम प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी कला को सबके सामने रखने जी, तो आपको लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है जैसे सर जो है काफ़ी यंगस्टर्स को भी मौका दे रहे हैं अपने आर्ट को सबके सामने? नहीं, मुझे लगता है ये सबसे अच्छी बात है बॉम्बे आर्ट फेयर की, बिकॉज एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट के पास में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं और आज एक यंग बडिंग आर्टिस्ट है उसको लगता है कि एक एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट लाइक गौतम पटोले में मेरा काम उनके काम के बिल्कुल बगल में लगेगा और साथ में लगेगा, तो उनको भी एक पुश मिलती है. मेरे जैसे लोग आते हैं गौतम का आर्ट देखने, लेकिन कुछ नए आर्टिस्ट को डिस्कवर करके जाते हैं कि दिस आर्टिस्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई लाइक दिस वर्क. तो आई थिंक उससे उनका वो फ़ायदा भी होता है एंड दिस इज़ अमेजिंग बिकॉज आप नॉर्मली खुद का अगर एग्जीबिशन करना चाहें, मेरी सिस्टर खुद एक आर्टिस्ट हैं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. गैलरी बुक करो, लोगों को इन्वाइट करो, फुटफॉल आना चाहिए, नंबर ऑफ डेट्स लिमिटेड हैं. बट इस तरह से जिस तरह से ये कर रहे हैं बॉम्बे आर्ट फेयर में, इट बिकम्स वेरी एक्सेसिबल, चीप टू डिस्प्ले आर्ट एंड द पोटेंशियल टू सेल एंड क्रिएट कस्टमर बेस एंड क्रिएट पीपल हु अप्रिशिएट द आर्ट बिकम्स अ लॉट ईजी. नहीं, मुझे ऐसा लगता है रिवर्स होगा. मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में बेहतर चलते जाएंगे और उसके अच्छे फ़ायदे भी हैं, उतना हम कोशिश करेंगे कि हमें रियलिटी से भी जुड़ने का एक मौका मिले. आज क्योंकि सब कुछ इतना डिजिटल हो गया है, अब मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग जिनको डिजिटल ओवरलोड होता है, वो चाहते हैं रियल देखना, रियल फील करना, टेक्सचर को हाथ लगाना. आज आप घर पे बैठकर टीवी पर पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं, इंटरनेट पे पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आज देखिए कितने लोग हॉलीडे पैकेजेस पे जाते हैं, बिकॉज सीइंग समथिंग एंड एक्सपीरियंसिंग समथिंग इज़ वेरी डिफरेंट. डिजिटल यू कैन स्टिल सी समथिंग, बट दिस आर्ट यू कैन एक्सपीरियंस, इट्स एन एक्सपीरियंस. सी, मुंबई आर्ट फेयर जैसा सर ने कहा कि बेसिक कंसेप्ट हमारा वही है कि टू डेमोक्रेटाइज आर्ट व्यूइंग एंड बाइंग, सो दैट हैपन्स एट टू लेवल्स. वंस यू नो अर्बन आर्टिस्ट एंड रूरल आर्टिस्ट, यू ब्रिंग देम टुगेदर एंड यू नो ट्राई टू प्रमोट देम इन द मेन स्ट्रीम आर्ट. नाउ इन मुंबई एंड दिल्ली, बैंगलोर, यू नो सिटीज लाइक दिस, देर आर वेरी लिमिटेड पब्लिक आर्ट स्पेसेस. लाइक इफ यू गो टू जहांगीर आर्ट गैलरी टू पार्टिसिपेट, यू अप्लाई टुडे, यू गेट द गैलरी आफ्टर 5 years. देर इज अ 5 years वेटिंग लिस्ट. सो इट्स सिंपली इम्पॉसिबल. प्लस बडिंग आर्टिस्ट, वाट हैपन वेन दे पास आउट फ्रॉम द कॉलेज, देर इज टू बी लॉट ऑफ क्योर्स इन द माइंड, वॉट टू डू दिस टू, यू नो दे दिस फेज लास्ट फॉर 3-4 years. देन ड्यूरिंग दिस 3-5 years, एमर्जिंग आर्टिस्ट स्ट्रगल्स अ लॉट एंड देन मे बी यू नो रिफ्यूज मेनी प्लेटफॉर्म्स. ऑफकोर्स, या गिव अप. So this is where we come into picture and then we put up these art fairs in Mumbai, Delhi and Bangalore
टू प्रमोट आर्टिस्ट इन दिस मेट्रो सिटीज वेयर यू नो होल लॉट ऑफ आर्ट बायर्स आर्ट कलेक्टर्स इवन इंटीरियर डिजाइनर्स आर्किटेक्ट यू नो नाउ टुडे देयर आर एज सर सेड देयर आर होल लॉट ऑफ यू नो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स विच आर कमिंग अप एंड देन एवरीबडी लाइक टू क्रिएट दैट यू नो इंस्पायरिंग एम्बियंस अराउंड देयर लिविंग स्पेस एंड दे ओन माइंड यू नो स्पेंडिंग फ्यू थाउजेंड आर इवन कपल ऑफ लाख रुपीज टू मेक दैट एम्बियंस सो दैट्स वॉट इज हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 10 years सो मुंबई आर्ट फेयर especially independent artists, this is our second year, but we started this mission of democratizing art viewing and buying in 2011 and this journey is grown you know from Mumbai to Delhi, Delhi to Bangalore. Now almost we cover North India, we cover South India and Mumbai, of course we do two editions, one now and then bigger one in Jan. So the effort is to unite them, bring them together, because art field is not organized the way you know cinema and other art forms are having infrastructure. So art lacks infrastructure. We are trying to come in and then fill in that gap. Vivek sir, Vivek, how do you feel? Beautiful. I loved it. Because I see his song Ganpat. So my son is very, he used to see it every night. He likes to dance. See, when artists of his caliber comes here and inspire these budding artists, they feel inspired, and that's a great thing. We would love, you know, like to thank him profusely to coming here and inspiring these people, emerging people. जी, of course. I think हमारे सिनेमा जगत की जो लेजेंड है, God bless him with a longer life and even more work. आई थिंक हर एक्टर के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड और मैटर ऑफ ऑनर है. आई एम वेरी लकी कि मैंने उनके साथ एक से ज़्यादा फिल्में की, बट इवन टू बी इन अ फिल्म विद हिम वंस इज अ माइल स्टोन, एक मील का पत्थर है अपने जर्नी में. तो ही वॉज विशिंग द वन एंड ओनली लेजेंडरी बच्चन साहब ग्रेट हेल्थ. इट्स लवली टू सी हिम डूइंग सो मच वर्क, कंटिन्यूइंग टू इंस्पायर ऑल ऑफ अस. बस रियली रियली एक्साइटेड अबाउट अभिनंदन. आई थिंक द स्टोरी ऑफ बालाकोट, द स्टोरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, वेरी वेरी प्राउड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स. आई थिंक द आइडिया इज एवरी नाउ एंड देन, जैसे अमेरिका में जब टॉप गन आती है तो एक पूरा जनरेशन इंस्पायर होता है अपनी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ देख कर. ये एक ऐसा मौका है, मुझे लगता है एक जिम्मेदारी है, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स जो इतना बढ़िया काम कर रहा है, इतना फिनोमिनली, वी शुड बी सो प्राउड ऑफ व्हाट दे आर डूइंग. उस कहानी को, उस इंस्पिरेशन को लाखों बच्चों तक पहुंचाना है, ताकि दिल से जब वो हमारे फोर्सेस के, हमारे यूनिफॉर्म में किसी जवान को, किसी पायलट को, किसी एयरमैन को देखें, तो हर बच्चा अपने आप दिल से उसे सल्यूट करे. यही मकसद. आपने कितना रिसर्च किया? रिसर्च स्टिल गोइंग ऑन. बहुत रिसर्च चल रहा है, अभी भी चल रहा है. थैंक यू. जैन जैन यू नो आई थिंक इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट इन लाइफ टू हैव एन अवेयरनेस ऑफ थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द ऑर्डिनरी. वी गेट सो ट्रैप्ड इन आर नॉर्मल लाइफ, वी फॉरगेट टू अप्रिशिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ऑफ जॉय, ऑफ नेचर, एंड आर्ट ब्रिंग्स सो मच इन टू आर लाइफ एंड आर वर्ल्ड. एवरी आर्टिस्ट हैज़ देयर ओन स्टाइल, right? So sometimes you see an abstract work of art, you see something very picturesque, you see portraits, you see a very interesting interpretation of something they've seen and decided to put onto a canvas or sculpt or create with their own materials that they've felt are will do justice to that desire to create. And it's very personal. Art is very, very personal. You have to wake up in the morning and want to look at it every day of your life. You have to resonate with it. I have amazing art in my home. When I earned my first sum of money ever, my first paycheck, and I wanted to buy myself a music system and I wanted to buy myself a television, my mother said no. She took me to Kemmold Art Gallery and she made me buy a work of art with my first money. I was only 18 years of age at that time and I didn't identify with art. And I said, you know, why should I just waste my money on this? And my mom said, Pooja, you will learn to invest your money. And that is exactly what art became to me, an investment of time, of energy, of money. It became a labor of love. I have
today, that work of art which I bought at Jahangir Art Gallery at Kemold was Ambadas's painting at that point of time. And it was only 17,000 rupees. It was a lot in those days, 17,000 rupees. And today it's worth a fortune. I have Jaydeep Marotra, I have Hussain, I have Gautam. My God, I have about 6 to 7 works of Gautam in my home. It is incredible how much energy Gautam brings to a canvas. I have his works. I bid. In fact, the first time I bought Gautam's work of art was at an auction for charity, where there was an active bidding going on, and I sort of bid and bid and outbid that person because I loved that work of art so much. It was a painting titled Joy, and it was just the most beautiful interpretation of a woman just throwing her arms and legs up in complete joy and surrender in that moment. And the way he translated that in charcoal was stunning, and I just had to have it. So that's how art has to be for you. You have to really want to take it home with you. And an appreciation for art is something that should be inculcated in people. And it's so amazing to have a platform like this where so many amazing talented artists come under one roof. And it's very important for people to come and see. You don't have to buy, but at least come and see. You never know what you resonate with and what you'll end up taking home with you at the end of the day. And it's something that I will always encourage because I know how my journey with art began and where it is today. And it becomes a member of your family. That's what every art piece is to me. Has to come to Alia, my sweetheart. Sorry? Anything you would like to say? Because well, all I have to say is, of course, I'm a very proud mother today because my son is studying in university in America at USC, and my daughter Alia is entering films. And Alia has put in the quotient of work that I never thought anyone could ever invest that much of time, energy, and passion and dedication into her craft. For years I've seen my daughter slog it out from morning to night doing her classes. And to see the fruits of her labor come to life, to see her on her sets, enjoying the profession, enjoying her roles and characters, to see the number of people who are approaching her constantly to do films, to see the kind of feedback and the kind of appreciation that the people she works with give her. It's really heartwarming as a parent, and I'm so proud of her because it's actually all her doing. Sir, anything you'd like to say? Well, I would love, I would like her. She came here, she herself is an inspiring artist. She's not only artist but writer. I'm a very great fan of her writing. Which we follow everywhere, and she has answers for each and every query of relationship, life, and everything. Fantastic. Sunday, all of it. Yeah. Achha, now she came here for this young budding artist, emerging artist, and it will be great inspiration for them to have her presence. Mumbai Art Fair, was started as with a mission of democratizing art, weaving an art, buying to certain extent, so that, these budding artists who find it very difficult to exhibit in the metro cities like Mumbai, Delhi, and Bangalore. So we put up this kind of big events there, again, affordable events, very, very affordable, this thing, because it's a power of unity. Yeah. All of them come together, put up the artworks. And in Mumbai and Delhi, as I said earlier, there are a whole lot of real estate projects which are going on. So everybody nowadays want to have some inspiring ambience around their living spaces. Right. So people in metro cities doesn't mind spending, 2,000 rupees or even a couple of lakh rupees to make their space inspiring. So these are the people who are, trying to enter the mainstream art, and we are just a medium inviting such people so that they get inspired. So I would like to thank her for coming here for these people. So it's a sort of, younger artists promote them. Difficult to get the galleries. Beautiful festival. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर आई हूँ और इसे ग्रेट वर्क, ग्रेट जॉब बाय द वेरियस आर्टिस्ट. बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है, आर्ट वर्क है, बहुत अच्छा लगता है. और मुझे पेंटिंग्स बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई फील म्यूजिक एंड पेंटिंग्स दे आर बोथ आर रिलेटेड. जब हम गाना गाते हैं वो भी पेंटिंग ही करते हैं. ख़ास करके जो क्लासिकल म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक में कुछ नोट्स दिया जाता है जी, ये नोट्स है, ये राग है, आपको गाना है और बाकी कुछ नहीं है. तो हम गाते हैं कुछ भी, हम पेंटिंग के माफ़ी ही करते हैं. So this is, music is also like a painting, and I really like paintings.
That's it. Well, मुंबई आर्ट फेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेन स्ट्रीम आर्ट 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 फील्ड में जो इमर्जिंग आर्टिस्ट है, बडिंग आर्टिस्ट है, रिसेंटली पास आउट है, उनको जो तकलीफ होती है वो थोड़ी लेवल तक उन्होंने मेट्रो सिटीज़ में अपनी एग्जीबिशन करने के लिए हम लोग इंस्पायर करते हैं. मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर जैसी सिटीज़ में आर्ट गैलरीज मिलना बहुत मुश्किल है. वो पिछले 10 साल से हम लोग करते आ रहे हैं और एक ज़माने में जहाँ 200 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करते थे, अभी एक साल भर में करीबन 850 से 900 आर्टिस्ट ये हमारे तीनों एग्जीबिशन मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर में पार्टिसिपेट करते हैं. और मधुश्री इज़ कमिंग सेकेंड टाइम, सी वॉज देयर इन द लास्ट ईयर ऑल्सो. अगर ऐसे सी से वेरी नाइसली पुट अप कि ये जो है कला एक संगीत है, ध्रुव संगीत है, और मधुश्री इज सच अ अक्लेम्ड सिंगर हरसेल्फ, सो हर कमिंग हियर फॉर दिस आर्टिस्ट दे विल डेफिनेटली फील इंस्पायर्ड. और इसीलिए हम लोग जो है कला के जो विविध अंग है, जैसा फिल्म है, म्यूजिक है, ड्रामा है, थिएटर है, ये सारे जो कला है कहीं ना कहीं साथ में आती है. इसलिए हम लोग इन लोग को इनवाइट करते हैं और दे आल्सो यू नो गिव रिस्पेक्ट ऑनर एंड कम हियर टू इंस्पायर दिस बडिंग आर्टिस्ट. आई वुड लाइक टू थैंक मधुश्री फॉर कमिंग हियर. आई ऑल्सो लाइक टू थैंक यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू आर गिविंग द बिग प्लेटफॉर्म फॉर द आर्टिस्ट. क्योंकि आर्ट को प्रमोट करना इट्स रियली डिफिकल्ट, सबको मिलता नहीं है और ये जो मौका मिल रहा है इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू.